नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टम 9 कट की कट ऑफ के बारे में। आप सभी को बता दूं, जनरल SC ST OBC की जो कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि DRDO खुद अपने से कोई भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है। तो वो बस DRDO केवल शॉर्ट लिस्टिंग और नॉट शॉर्ट लिस्टिंग ही देता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी जनरल OBC SC ST के बारे में। असिस्टेंट इंजीनियर की इंजीनियरिंग की जो टाइपिंग वाली कट ऑफ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। EWS कैंडिडेट्स का क्या होगा उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहली बार इतनी कम कट ऑफ जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, क्या कम कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप DRDO का पेपर देते हैं या DRDO से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं DRDO से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को जनरल की कट ऑफ के साथ। आपको बता दूं दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ है 2018 की कंपैरिजन में बात की जाए, 2018 के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो जनरल की कट ऑफ थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो शॉर्टलिस्टिंग के बाद मानी जा रही थी, तो वो थी लगभग 115 से लेके 120 के करीब, 115 से लेके 120 के करीब 2018 में जनरल की कट ऑफ मानी जा रही थी। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए, अगर 2019 की बात की जाए तो यही कट ऑफ जनरल की कितनी जा सकती है, तो ये जा सकती है 107 से लेके 115 के बीच में। तो थोड़ी सी कमी इसमें देखने को मिल सकती है। अब इसी प्रकार से मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ और 2018 की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करें तो ये जो कट ऑफ थी वो 110 से लेके 115 मानी जा रही थी ओबीसी की कट ऑफ। लेकिन अगर इसी कट ऑफ को मैं 2019 के साथ देखूं, 2019 के साथ देखा जाए इसी कट ऑफ को, ओबीसी की जो कट ऑफ है इसी कट ऑफ को 2019 के साथ देखा जाए तो ये कट ऑफ लगभग 103 से लेके 108 के बीच में रह सकती है, 103 से लेके 108 के बीच में रह सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी अपनी इस कट ऑफ को पिछली वीडियोज़ की तुलना में थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि मैं भी रिव्यू देख रहा हूँ और रिव्यू के बाद ही ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों SC ST की बात की जाए, SC ST की बात की जाए तो 2018 के कंपैरिजन में, 2018 के कंपैरिजन में 2019 की बात की जाए, और वो भी किसकी, SC ST की बात की जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ SC ST की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। SC ST की जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा मिनिमम रहने वाली है, और ये रहने वाली है 80 to 95 के बीच में रहने वाली है। तो ये थोड़ा सा देखने को कम मिलेगा 2018 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये बताई थी मैंने जनरल ओबीसी SC ST की कट ऑफ बताई थी। लेकिन अगर इसी कट ऑफ को मैं EWS कैंडिडेट्स के साथ देखा जाए, EWS कैंडिडेट्स का मतलब हो गया 10% जो आरक्षण वाले, सवर्ण आरक्षण वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ अगर इस वीडियो को देखा, इसको देखा जाए तो ये कट ऑफ उनके लिए हो सकती है 104 से लेके 110 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर देखने को कमी मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ये काम करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर,
किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के DRDO के वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।